8 सितंबर 2016, नासा का ओसायरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाता है। मिशन का मकसद था एक एस्ट्रॉइड पर जाकर वहां से उसकी मिट्टी और धूल के सैंपल को वापस धरती पर लाना, ताकि वैज्ञानिक उन पर रिसर्च करके ये पता लगा सके कि हमारा सौरमंडल कैसे बना था और उसमें जीवन कैसे उत्पन्न हुआ। सब कुछ ठीक चलता है और स्पेसक्राफ्ट 3 दिसंबर 2018 को एस्ट्रॉइड बैनू की कक्षा में सक्सेसफुली प्रवेश कर जाता है। बैनू, यही वो एस्ट्रॉइड है जहाँ से इसे सैंपल इकट्ठा करना था। यह एस्ट्रॉइड लगभग 500 मीटर डायमीटर का है और उन एस्ट्रॉइड में से एक है जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ये जैसे सौरमंडल के शुरुआती दिनों में थे, आज भी वैसे ही हैं। इसलिए इन पर स्टडी करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल शुरुआती दिनों में कैसा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद लगभग 2 साल तक स्पेसक्राफ्ट उसका अध्ययन करता रहा। इस दौरान एस्ट्रॉइड की सतह की तस्वीरें ली गई और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की गई। सतह पर एक सुरक्षित स्थान का चयन भी किया गया जहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जा सकें। 20 अक्टूबर 2020 को अंतरिक्षयान अपनी रोबोटिक भुजा का उपयोग करके एस्ट्रॉइड की सतह से 2 मिनट के लिए संपर्क करता है और लगभग 60 ग्राम नमूनों को कलेक्ट कर लेता है और बैनू की कक्षा को छोड़कर पृथ्वी की ओर वापस यात्रा शुरू कर देता है और फाइनली 24 सितंबर 2023 को यानी आज ही के दिन अंतरिक्षयान पृथ्वी पर लैंडिंग करने जा रहा है। ओसायरिस रेक्स मिशन मानव इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। इससे प्राप्त नमूनों का अध्ययन करके वैज्ञानिक बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।